गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ था आज मौसम खिला खिला, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ मैंने ले लिया था एक कप मेजरमेंट, आपने लेना है एक कप मैदा लेना है, इसके अंदर आपने नमक डालना है और मैं इसके अंदर ओरिगैनो भी डालती हूँ जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर जो था डो की इसकी कहीं पर मिसिंग हो गई थी मेरे से क्लिप, तो मैंने लिया था आधा कप पानी और उसके अंदर मैंने डाला था 1.5 चम्मच जितना ईस्ट, और पानी का उतना वो होना चाहिए कि बस हम फिंगर रख सकें तो उतना ही पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, तो ईस्ट अच्छी बनती है वरना ईस्ट तैयार नहीं हो पाता। तो मैंने ढक के रख दिया था उसे 10 मिनट के लिए कि जिससे ईस्ट अच्छे से वो हो जाए। और यहाँ मैं ले रही थी बटर, अगर आप वैसे यूज़ करें तो बाहर ही बटर रख देना क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अच्छा रहता है। तो यहाँ तो मेरे पास गार्लिक था ना, तो जैसे मैंने गार्लिक पेस्ट ज़रा क्यूब्स में मैंने रखा था तो यहाँ मैंने निकाल ली थी 2 क्यूब्स गार्लिक की, और मैंने ये जो था ऑयल थोड़ा गर्म कर लिया था, इसके अंदर मैंने ये जो क्यूब्स थे वो डाल दिए थे क्योंकि जब हमें गार्लिक बनाना है तो गार्लिक के लिए तो फिर गार्लिक तो डालना ही पड़ेगा ना अच्छा खासा। तो मैंने यहाँ पर डाल लिया था गार्लिक, तो इसको मैंने रख दिया था। और यहाँ पर ये जो डो था ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के मुझे स्मूथ करना था एकदम से डो को, तो मैंने बटर लगा के यहाँ पर इस अमूल बटर से वैसे भी फ्लेवर वगैरह काफ़ी अच्छे से आ जाता है तो मैं ज़्यादातर अमूल बटर ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्मूथ सा हो गया है, और अगर आपके हाथों पे ना जैसे चिपकने लगेगा ईस्ट के टाइम पे, जैसे हम ईस्ट डालेंगे मलेंगे तो वो थोड़ी देर में अपने आप वो हो जाता है, क्लीन हो जाता है जब हम बटर यूज़ करते हैं, तो वो हाथों से हट जाता है बिल्कुल ही। जैसे कि देखिए मेरे हाथ पहले कैसे थे और अब बिल्कुल साफ़ हो चुके थे। तो बस यहाँ डो रेडी है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और लगाकर और इसको इसकी कैप लगा के रख दूँगी 10-15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। तो बस यहाँ मैंने इसको रख देना था, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखिए वो जो गार्लिक था, तो मैंने कहा इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर, तो मैं वही कर रही थी। और आप वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। और यहाँ पर बस यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बटर कम लग रहा था तो मैंने रख दिया था, और ये ख़राब नहीं होता है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो मैं स्टोर करके रख देती हूँ। वैसे अगर आपको जितना यूज़ करना है आप उतना ही उसमें नमक ऐड कीजिए, बिना नमक वाला ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कर लिया था, हाफ़ ऑफ डो तैयार कर लिया था, ये मैंने गार्लिक ब्रेड के लिए किया था और वो मैंने पिज़्ज़ा के लिए किया था। तो मैंने इसके ऊपर गार्लिक लगा के ना, गार्लिक और बटर और लगा के अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही थी जिससे कि इसके अंदर सारा जो गार्लिक का फ्लेवर है अच्छे से चला जाए, तो वो स्मूथ सा हो जाता है और गार्लिक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और वेजिटेबल में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, सिर्फ मैंने कॉर्न ही किया था गार्लिक ब्रेड के लिए। तो बस यहाँ पर डो को अच्छे से डक करना था मुझे, और आप खुद से डो तैयार करके पिज़्ज़ा या कुछ बनाएंगे तो देखिएगा उसका फ्लेवर कितना टेस्ट कितना अच्छा आता है ना, खुद के खुद से बनाया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये मैं गार्लिक ब्रेड के लिए डो को रख रही थी, तो जब ये फूल जाता है उसके बाद हमें दोबारा से निकाल के, तो यहाँ पर मुझसे बोले मखाने दे दो मुझे, तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी थी, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था और इसमें मखाने डाल दिए थे, और चाट मसाला डाल के, मसाला कह रही हूँ, चाट मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करके इनको दे दिया था। और यहाँ मैंने कॉर्न उबालने रखने थे तो मैंने पानी रख दिया था कि कॉर्न उबाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी डो, तो डो मेरा अच्छे से फूल चुका था, तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा अभी रहता था इसमें वैसे, तो मैंने इसको अच्छे से इस तरह से ढक करके और मैंने इसको फिर रख दिया था उसके लिए कि थोड़ा सा और मैं इसे रेस्ट पे रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके जो थे 4 पीस बाद में कर लिए कि 4 बनाने थे मुझे, तो मैंने उतने ही पेड़े यूज़ कर लिए थे। और यहाँ मैंने इसमें मक्की का आटा यूज़ किया था, तो मक्की का आटा ही बेस्ट रहता है, अगर आप सूजी करेंगे तो वो कुछ कुरकुरे से अजीब से हो जाते हैं, तो यहाँ डोमिनो वगैरह वाले भी मक्की का आटा ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये वाला चीज़ था क्यूब्स वाला, तो मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया था। इसके अंदर की चीज़ अच्छा लगता है जब इसके अंदर अच्छे से होता है, बच्चे तो वैसे भी लाइक करते ही हैं। तो यहाँ पर था ये कॉर्न जो कि मैंने इसके अंदर कॉर्न डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नमक ऐड किया था, और यहाँ पर जो था मेरे पास ओरिगैनो वो डाल दिया था मैंने, और थोड़ा सा इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिया था। तो अब इसे साइडों पे जो है ना, हमें थोड़ा सा देखिए नमक डालने के बाद थोड़ा सा जो है हमें साइडों से इसको गीला कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये बनते टाइम फट जाएगा और आपका जो है वो छोड़ेगा नहीं। तो इसे अच्छे से हमें इसे चिपक कर लेना है जिससे कि आपस में चिपक जाए, वरना फिर तो सारा ही जो तामझाम है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए अच्छे से मैंने इसको गीला करके फिंगर से मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये वाला इसका पार्ट जो है। तो बस यहाँ पर हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना था,
और मैंने जो अवन था वो प्री हीटिंग पे रख दिया था इस टाइम पे। तो बस यहाँ पर करने के बाद ऊपर से मैंने इसके ऊपर, जब ये अच्छे से प्रेस हो गया था तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और लगाना था। बटर लगा के फिर मैंने इसके ऊपर कट कर दिए थे थोड़े से। तो वीडियो को प्लीज़ आप फुल वॉच कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत कीजिए, क्योंकि अनसब्सक्राइब करने से अच्छा है कि आप मत कीजिए, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कट कर लिया था। इससे क्या होता है, ये बाद में तो फूलता नहीं है और बाद में ना इसको कट करना बहुत ईजी रह जाता है। तो बस इस तरह से कट करके, और इसके ऊपर जो ये था ना मेरा गार्लिक ब्रेड, जो मतलब मैंने गार्लिक यूज़ किया था बटर में, तो वो मैं अच्छे से इसके ऊपर लगा रही थी कि ये बहुत ही अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और हम इसके ऊपर बटर लगाते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे से शाइन आ जाती है। तो यहाँ पर पिज्ज़े का डो जो था वो भी रेडी हो चुका था। तो मैंने यहाँ भी इसके जितना मुझे चाहिए था मैंने उतने पेड़े बना लिए थे, 4 बना लिए थे मैंने, और बाकी मैंने रख दिए थे। और फिर इसको बेलने के बाद इसे ना फोक से इस तरह से कर लेना होल, नहीं तो ये फूलेगा ना तो आपका जितना भी ऊपर ये जो है चीज़ वगैरह है तो ये सारा फैल के बाहर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लगाई थी टमाटो केचप। वैसे तो सॉस बनाती हूँ घर पर, तो नहीं उस टाइम बनाने का मन नहीं था मेरा, तो नहीं बनाई मैंने। फिर मैंने इसके ऊपर बटर डाला था, बटर से अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ मैं डाल रही थी इसके ऊपर चीज़, जो कि काफ़ी अच्छे से, फिर वो जितना चीज़ होता है तो पिज़्ज़ा वैसे उतना ही अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ अच्छे से डाल दिया था, और इसके ऊपर मैंने कॉर्न डाल दिया था क्योंकि मुझे कॉर्न बहुत पसंद है। मुझे कॉर्न चाहे किसी भी उसमें कॉर्न दे दो तो मैं खा लेती हूँ, चाहे पॉपकॉर्न दे दो किसी तरह से भी, तो कॉर्न मेरा बहुत फेवरेट है। तो बस मैंने यहाँ पर कॉर्न रख लिया था, और इसके ऊपर मैंने जो थी एक शिमला मिर्च रख दी थी। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी इसके ऊपर प्याज, जो कि मैंने छोटा छोटा चॉप किया हुआ था, तो और वो प्याज डाल दिया था मैंने, क्योंकि प्याज भी अच्छा लगता है जब होता है ऊपर से अच्छे से। और पनीर था, थोड़ा सा पनीर भी मैंने रख दिया था। और यहाँ जो डो बचा था ना, तो मैंने उसको कैटी जैसा मुंह देके उनके ऊपर दो कौन से आइज़ बनाई थी। और यहाँ जो था शिमला मिर्च से मैं इसका जो था मुँह बना रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गाजर से इतना वो नहीं आ रहा था लुक जो ग्रीन चिली से आ रहा था, तो मैंने शिमला मिर्च से ही इनका जो था स्माइली बना दी थी। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी थी। तो मेरे से ना क्लिपिंग बहुत सारे कहीं मिसिंग हो गए हैं, तो आशी छेड़ाखानी करती है उससे ना फ़ोन के। और ये बहुत पुरानी वीडियो है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने ना अलग अलग स्माइली बनाई थी, कुछ सैड सी, कुछ स्माइल करते हुए। तो इस तरह से देखिए, इसकी मैंने ग्रीन वाले की मैंने सैड सी बना दी है, उसकी मैंने एकदम से अच्छे से स्माइल करते हुए बना दी है, एक की मैंने टीथ ऐसे दिखाते हुए बनाई थी। तो काफ़ी अच्छा सा भी लगा था खाने में। और आप इस तरह से बच्चों को बना के देंगे ना, तो आपके बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा शौक से खाने वाले हैं, बच्चों को ऐसी चीज़ें वैसी बहुत पसंद आती हैं। तो आप ज़्यादा बात है इसके अंदर या तो पनीर स्टफ़ कर दीजिए, जैसे भी आपका मन करता है आप उस तरह से कर दीजिए, नहीं तो आप काली मिर्च से इसकी आइज़ बना दीजिए। मुझे कौन से लगा तो मैंने कौन से बना दी थी, और काफ़ी ही अच्छा था, यम्मी था, पिज़्ज़ा भी अच्छा बना था, और गार्लिक ब्रेड भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो सॉरी गाइस, मैं ना क्लिपिंग नहीं कर पाई। ये देखिए, मैंने इसके टीथ बनाए थे जैसे मेरे से बन रहे थे, तो मैंने वो बना दिए थे। तो ये सारी जो क्लिप थी कुछ मेरे ऑपरेशन होने से पहले की थी, काफ़ी पुरानी थी, 6-7 महीने की। तो मैंने कहा चलो अब यूज़ कर लेते हैं, फ़ोन में पड़ी हुई थी और बन बन के रखी रहती है, तो वो रोज़ ना भूल जाती हूँ मैं रखना। और यहाँ देखिए, ये तैयार थी, और यहाँ मेरा गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा बनकर तैयार था। तो बताइए कैसा लग रहा है ये देखने में, खाने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी था, यह हर तरफ से सीख गया था। और ये चीज़ें जितनी OTG में अच्छी बनती है ना, कितना भी कह लो गैस पे नहीं बन पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं बन पाती हैं। यहाँ पर ये मैंने कट कर लिया था गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा था, जो कि मैंने इस तरह से लगा दिया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो आप बताइएगा मुझे।